मेरा शरीर थका थका सा है, 10-11 दिन हो गए, अस्वस्थ भी हूँ, तो हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं सभी साधकों पर शक्तिपात करूँ। दूसरे साधकों की गिनती अब की बार कुछ ज़्यादा है, 100-150 साधक होते तो मैं सोचता, लेकिन साधकों की गिनती ज़्यादा होने के कारण मैं ऐसा कार्य कैसे कर पाऊँगा, उत्तर नहीं मिला। मैं कुछ साधकों के मन की समझ सकता हूँ कि वो सिर्फ इसलिए आए कि गुरु जी का स्वभाव है, वो हमेशा शक्तिपात करते हैं। वीडियो में भी देखते होंगे जो नए साधक आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है कि जाएंगे, आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे। साधकों मंत्र जाप करते हैं थोड़ी देर, फिर ध्यान करते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आप अपना नाम बता दें ताकि अन्य साधक भी आपके विषय में जाने। नाम और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम शशि गोस्वामी जी, सिएटल अमेरिका से आई हूँ जी। आपने एक दिन पहले एक या दो दिन पहले बताया था कि आपकी कुंडलनी ऊर्ध होती है। जी गुरु जी। थोड़ा बताएं उसके विषय में, अनुभूति होती है क्या? अनुभूति तो आनी बंद हो गई है, पर अब पीठ बहुत गर्म होती है, इतनी सर्दी में भी इतनी गर्म होती है, और गले में ऐसा लगता है जैसे कोई फोड़ा निकला हो। कहाँ पे गर्मी महसूस होती है? थोरैसिस क्या बोलते हैं उसको, गले का जो मन का है कंधे तक, कंधे पे और निचले भाग में यानी नाभि के पीछे, हृदय के पीछे, पीठ में ऊपर। जी, हृदय चक्र से थोड़ा ऊपर। हृदय चक्र से निचले भाग में गर्म महसूस होता है? हाँ जी, हृदय चक्र से ऊपर तक बहुत गर्म महसूस होता है। नहीं, मूलाधार से गर्म होता है जी। हाँ, तो आप ऐसा बताएं ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि मूलाधार से लेकर हृदय चक्र या हृदय चक्र से ऊपर तक गर्म होता है। ध्यान आपका गहरा लगता है क्या? जी, आप लगने लगे। कितनी देर आप ध्यान करती हैं वहाँ पे? जी, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा कम से कम। जी, प्राणायाम भी करती हैं क्या? जी, प्राणायाम मैं 2 बार करती हूँ, 1 बार सुबह, 1 बार शाम को, अगर बीच में टाइम मिले तो। और मंत्र जाप ज़्यादा करती हूँ, ड्राइविंग के टाइम में मंत्र जाप करती हूँ। ठीक है, रविकांत जी माइक ले लीजिए जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आप अपनी जगह पर बैठे। रायवाला में तो जो वहाँ शिविर ही करवा रहे थे, वो भी तकिया मोटा लगाते थे, उड़ीसा के हैं, तो उनका भी निकलवाया, थोड़ा उन्हें बुरा लगा तो मैं टाइट हुआ। यानी कहने का हमारा ये मतलब है, जब ध्यान करते हैं इस तरह का सहारा नहीं लेते। अच्छा साधक बनने के लिए आसन का सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। आसन सिद्ध का ये भी है कि जो नीचे का जो आपने बिछा रखा वस्त्र या जो भी वस्तु है, बहुत ज़्यादा कठोर भी ना हो और बहुत ज़्यादा आरामदेह भी ना हो। लेकिन जो कठोर साधना करने वाले साधक होते हैं, तो कंबल के टुकड़े को 2 परत लगा के उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र से रख के उस पर आसन बना लेते हैं या उस पर बैठते हैं। वो एक तरह का कठोरता ही प्रदान करता है। और एक होता है कुश का भी आसन होता है, सफ़ेद वस्त्र उसके ऊपर रख लेते हैं फिर बैठते हैं, हालांकि वो तकलीफ़ दे है। यहाँ वैसे भी नीचे गद्दा लगा हुआ है, आरामदेह है। कोशिश करें घर में जाके, सभी साधकों के लिए कह रहा हूँ, ख़ास तौर से जो भारत से बाहर आए, कई साधकाएँ
प्रयोग कर रही हैं। पहले आसन सिद्ध करें। आसन का सिद्ध होना अति आवश्यक है। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तो ध्यान कैसे लगेगा। हाँ, कुछ जगह मैंने देखा आप दूसरी तरफ आ जाए, नीचे दो दो तकिया लगा लेते, तकिया बोले तो पिल्लो लगा लेते, साइड में भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, मैंने आँखों से देखा, और बड़े आराम से दीवार के सहारे बैठ के ध्यान करते हैं। वो साधक भारत के नहीं थे, शायद यूरोप तरफ के थे, उनका अपना तरीका होगा, आराम से बैठना चाहते होंगे, मगर ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए ये आरामदेह इस तरह का सुविधा नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे साधक बनना चाहते हैं तो घर जा कर के अभ्यास करना कि सामान्य सा आसन बना लेना, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंच मोटा स्पंज का टुकड़ा लेना और उसको सफ़ेद वस्त्र से ऊपर खोल चढ़ा लेना और नीचे रख लेना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, फिर तो आरामदेह हो जाता है। आदत डालें अच्छे साधक बनने की, मैं सभी साधक या साधिकाओं के लिए कह रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।